हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, एक बड़ी सेलिब्रिटी का टूटा घर, बीवी का हुआ दूसरी बार डिवोर्स और उसने डिवोर्स को बोला गंदा शब्द। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज हैं शिखर धवन। उनका उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के साथ तलाक हो गया है और इस बात की जानकारी खुद आयशा मुखर्जी ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। हम आपको बता दें कि धवन और आयशा ने साल 2012 में शादी की थी और 2014 में ये दोनों मॉम डैड बने। लेकिन अब आयशा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है, मैं समझती थी कि तलाक एक गंदा शब्द है जब तक मैं दो बार तलाकशुदा नहीं हो गई। मजेदार है कि कैसे शब्दों के इतने शक्तिशाली अर्थ और जुड़ाव हो सकते हैं। मैंने तलाकशुदा के रूप में पहली बार इसे अनुभव किया। पहली बार जब मैं तलाक से गुजरी तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं असफल हो गई और उस समय कुछ गलत कर रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सभी को नीचा दिखाया है। यहाँ तक कि मैंने खुद को स्वार्थी महसूस किया। मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता को निराश कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को निराश कर रही हूँ। और यहाँ तक कि कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भगवान को निराश कर रही हूँ। तलाक इतना गंदा शब्द था। लेकिन अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि वो अब तलाक देने के बाद अपने आप को मजबूत महसूस कर रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि डिवोर्स का वही मतलब होता है जो आप उसको देते हो, और मेरे अकॉर्डिंग इस समय यही हमारे रिलेशनशिप में सबसे बेहतर है। हम आपको ये भी बता दें कि आयशा से शिखर की मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी, जिसके बाद इनको आयशा पसंद आई, दोनों ने एक दूसरे को डेट करा और शादी कर ली। वेल, दोस्तों, आपका क्या है कहना? क्या आपको भी लगता है इन सितारों के लिए रिश्ते बहुत मामूली होते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।